अमेरिका की धरती से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिर्फ कनाडा के पीएम को नसीहत ही नहीं दी, अमेरिका को भी सलाह दी कि भारत को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने सवाल किया कि जो स्थिति आज भारत के साथ है वो किसी और देश के साथ होती तो क्या रुख होता। अमेरिका ने शायद सोचा नहीं होगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उसी की धरती पर जाकर उसे फटकार लगाएंगे, लेकिन जयशंकर तो जयशंकर है, जो जिस लहजे में सवाल पूछता है उसे वो उसी के लहजे में जवाब भी देते हैं। कनाडा के मुद्दे पर दो नाव की सवारी कर रहे अमेरिका को भारत ने कड़ी नसीहत दी है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयशंकर ने कहा, अभिव्यक्ति की आजादी पर भारत को कोई मुल्क ज्ञान ना दे। उन्होंने एक सवाल के दौरान पलटवार कर पूछ लिया कि भारत के साथ जो हो रहा है वही अगर दूसरे देश के साथ होता तो वो क्या करता। उनका इशारा अमेरिका समेत पश्चिमी देशों की तरफ था, जो हर मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का नाम लेकर बिन बुलाए कूद पड़ते हैं। कनाडा से जारी विवाद के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद एंटनी ब्लिंकन ने उम्मीद जताई कि कनाडा और भारत इस मामले को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे। जयशंकर ने कनाडा के आरोपों को लेकर अमेरिकी नजरिए पर भी सवाल उठाए और कहा कि कनाडा में अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद का जहरीला संयोजन है, लेकिन अमेरिकियों को कनाडा अलग नजर आता है। They see something. When we in India look at Canada, we see something else. And that's part of the problem. So it's also important that we, you know, talk it out with the Americans. After all, you know, they are very close to Canada. They are good friends of ours. So it's important that they also have, accurate picture, that they have our point of view on this matter as well. भारत सरकार भी ये बात मानती है कि कनाडा के साथ रिश्तों में मिठास आज कम नहीं हुए हैं। कनाडा की धरती पर लगातार ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिसके चलते आज ये नौबत आई है। अब भारत से वो कैसे रिश्ते चाहते हैं ये कनाडा और उनके शुभचिंतकों को तय करना है। भारत आज भी अपने रुख पर मजबूती के साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।